जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, कुछ एक्साइटिंग हो, मसालेदार तड़का लगे हर दिन तो मजा आए कुछ ब्रू। और चिंटू कैसा है? ओ भैया आप बड़े दिनों बाद, ओ मजा आ गया, आओ आओ आओ। अरे बेटा आओ आओ आओ। नमस्ते चाची। और कैसे चल रही है नौकरी? शादी कब कर रहे हो? मम्मी पापा ठीक है? कोई लड़की देखी? मेरी नजर में एक लड़की, तुम कहो तो बात चलाऊं। बाहर दूसरे शहर में रहने में कोई परेशानी तो नहीं आती? तबीयत कैसी है? क्या लोगे, ठंडा गरम, कोई परेशानी तो नहीं आई आने में? मम्मी यार सामने वाले बंदे को आए हुए एक मिनट हुए नहीं, उससे पहले ही उस पर सवालों की पोटली खोल डाली। कम से कम बेचारे बंदे को दो मिनट बैठने तो दो शांति से। आओ भैया। और बता चिंटू कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? यार तुम सड़ाओ मत भैया, फालतू सवाल पूछ के पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, जिसको देखो पढ़ाई आते से पढ़ाई के पूछने लगता है। कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कोई ढंग का सवाल पूछते। अच्छा तो ये बता दे कितनी गर्लफ्रेंड बना ली? अरे भैया तुमने फिर सड़ा दिया, यहाँ कोई लड़की दोस्त तक नहीं है, गर्लफ्रेंड तो दूर की बात है ब्रू। ओह नो। कोई नहीं, मैं करवाऊंगा तेरी लड़कियों से दोस्ती। क्या बात कर रहे हो, सच में? डोंट टेल मी यू जोकिंग। अरे हाँ सच में। लव गुरु बने जा रहे हो, क्या बात है भैया। ये लो बेटा चाय। मम्मी यार इतनी गर्मी पड़ रही है और आप चाय दे रही हो, कुछ ठंडा दो यार भैया को। कुछ ठंडा ही नहीं है घर में, तू लेके आ जा। हाँ लाता हूँ। ओ भैया आपने नई गाड़ी ली है ना, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला था। हाँ। तो मैं उससे ही जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, मेरे को चाबी दो ना प्लीज प्लीज प्लीज, मैं चलाऊंगा। आई एम सो एक्साइटेड। तू नहीं चला पाएगा रेंदे, थोड़ी भारी गाड़ी है। अरे मैं सब चला लेगा, खड़े खड़े इंसान को चला देता हूँ, गाड़ी क्या चीज है बड़ू, आप चाबी दो बस और बेफिक्र रहो। एक काम कर, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं यार, माना कि बहुत दिनों बाद मिले हैं, पर अब मैं छोटा नहीं रहा, चींटी नहीं समझो, अब मैं चिंटू हूँ, चला लेगा मैं। ठीक है, और हाँ गियर आगे डालेंगे। झोला छाप समझाएगा मेरे को सब पता, मेरे को सब आता है, मैं गाड़ी चलाता नहीं उड़ाता हूँ, देखो तुम अब। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ मेरी नौकरी कैसे लगी। पिछले दो सालों में लोगों की नौकरियां गई, पैकेट्स हुए और पता नहीं क्या क्या, पर एक बात समझ में आई कि आप कंट्री में कहीं से भी अच्छे कैंडिडेट्स को हायर कर सकते हो और उनके साथ रिमोटली काम भी कर सकते हो। मतलब जॉब स्किल्स के बेसिस पे मिलनी चाहिए, प्रूव योर स्किल्स गेट अ जॉब, यही रीलेवल बाय अनअकैडमी करता है। रीलेवल इंडिया का पहला हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको एक सिंपल टेस्ट देके अपनी स्किल्स प्रूव करनी है और आप इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब ले सकते हो रिज्यूम एक्सपीरियंस या डिग्री के बिना। और ये जॉब्स हैं स्विगी, फोन पे, क्रेडिट, ओला, पेटीएम जैसी 200 प्लस कंपनीज में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये टेस्ट बिल्कुल ही फ्री है और ये 10 टेस्ट से सेल्स, एचआर, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे रोल्स के लिए हायर करवा रहे हैं। साथ ही एक नया टेस्ट लॉन्च हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की जॉब्स इसलिए पा सकते हैं, कितनी बार भी अटेम्प्ट करो कोई कूल डाउन पीरियड नहीं है। री लेवल ने अभी तक 16 करोड़ से ज्यादा तक की जॉब्स डिलीवर की है। आप कैंडिडेट की प्रोफाइल ट्विटर पे देख सकते हो, कंपनी इंडिया में कहीं भी हो आप ऑनलाइन जॉब पा सकते हो। और जिन्होंने पहले रजिस्टर किया था अब उनके चांसेस ज्यादा है जॉब पाने के, क्योंकि उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अपडेट करके 700 से 500 कर दिया है। इसके साथ आप अपने टेस्ट की डेट खुद ही डिसाइड कर सकते हो। इतना ही नहीं, कंपनी अपने कैंडिडेट की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए मंथली गुडीज भी देती है और टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल प्रोडक्ट्स। एक साइन अप आपका पूरा करियर डिफाइन कर सकता है, फ्रेशर हो या प्रोफेशनल, जाइए री लेवल पर और साइन अप कीजिए। वाह यार क्या मस्त गाड़ी ली है भैया ने, नौकरी लगते ही मजे हो गए भैया की। अभी व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के लल्लू को जलाता हूं, हां मजा आएगा ब्लू। अरे भैया भाई इतनी धूप में क्या कर रहे हो, और ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। कहाँ से चुराई? खुद की तरह समझ रखा है क्या? अबे चलना भिखारी, वैसे किधर जा रहे हो? कहीं नहीं। तो धूप में क्या सूरज के साथ ताता धैया करने खड़े हो, काले हो जाओगे? अबे तू बता तू क्या कर रहा है इधर? मैं तो तुमसे मिलने आया था। अच्छा तो चल मेरे साथ बाइक राइडिंग करते ही। रेंदो तुम्हें साइकिल चलानी तो आती नहीं, ठुकवा दोगे कहीं? बड़ू चल ना चुपचाप, नेता मत बन, एक बार साइकिल से गिर गया तो साइकिल चलानी नहीं आती। ऐसे तो तू एक बार नाक में डाली उंगली को मुंह में डालते हुए पकड़ा गया था, तो तू क्या दिन भर वही करता रहता है? जी मन से कुछ भी बत्ती दे रहे हो, चलो और मैं चलाऊंगा गाड़ी। रेंदे तू रेंदे, दो पहियों पे घर से निकले हैं, चार कंधों पे घर वापिस नहीं आना है। मियां भाई थोड़ी आराम से चलाओ। डोंट वरी ब्लू, आई एम अ राइडर प्रोवाइडर। आज तेरे भाई के पास कैमरा और होता ना तो अभी धूम फोर बना देता। मियां भाई हॉस्पिटल फोर बन जाएगी, धीरे करो। तेरी तो हल्के में ले रही है तू, मेरे को रुक अभी और भगाऊंगा। नहीं धीरे करो, देखो सामने ट्रक। ओ
जूते जूते पढ़ने चाहिए, बढ़िया धूम फोर बनाएंगे, इधर धमा धम फोर बन गया। डॉक्टर साहब कितनी चोट लगी है मेरे लाल को, कुछ खतरा तो नहीं है ना? देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हुआ है और मामूली सी चोट है, बंदे खतरे से बाहर है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। मियाँ भाई क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हो? यार जिस ट्रक से अपन टकराए थे उस पे लिखा था जिंदगी रही तो दोबारा फिर मिलेंगे। We'll be right back.